अगर आप इस साल हज पर जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2023 के लिए फॉर्म जारी कर दिए हैं। आपको बता दें ये फॉर्म हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हज यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मार्च है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 10 मार्च तक आप हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रा के लिए दस्तावेज समेत आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी। जो भी हज पर जाना चाहते हैं वो हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से 6 फरवरी को इस बात की जानकारी दी गई थी कि नई हज यात्रा नीति के तहत हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए आवेदन फॉर्म निःशुल्क है। इसके अलावा हज यात्रा पैकेज के तहत जाने वाले लोगों की सहयोग राशि में 50,000 रुपए की कमी की गई है। नई हज नीति को साझा करते हुए मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्था की गई है। हज कमेटी ने ऑनलाइन फॉर्म शुक्रवार 10 फरवरी को जारी किए थे। कमेटी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आवेदक 10 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो हज यात्रा पर कोई भी जा सकता है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक हज आवेदन पत्र भरने वाले आवेदक के पास 10 मार्च 2023 को या उससे पहले जारी किया गया वैध भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होना चाहिए और कम से कम 3 फरवरी 2024 तक वैध होना चाहिए। इसके साथ ही आपको कोविड-19 की दोनों डोज भी लगी होनी चाहिए। आवेदक को पासपोर्ट का पहला और आखिरी पन्ना सफेद बैकग्राउंड के साथ लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो, कवर हेड के रद्द किए गए चेक की कॉपी और पते के प्रमाण की कॉपी अपलोड करनी होगी। बता दें कि हज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 10 मार्च 2023 है। आइए अब आपको बताते हैं कि हज पर जाने वाले कैसे आवेदन कर सकते हैं। इस बार हज पर जाने वाले लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वालों को हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। वहीं अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो हज कमेटी की वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें दिए गए निर्देशों के मुताबिक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें इस साल भारत सरकार और सऊदी सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक 1,75,000 से ज्यादा यात्री हज 2023 की पवित्र यात्रा कर सकेंगे। गौरतलब है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहले ही वीआईपी कोटा खत्म कर दिया है, जिसके तहत 5 से 10 व्यक्तियों को हज करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस साल ऐसा कोई भी कोटा नहीं है। बता दें कि हज मक्का सऊदी अरब के लिए एक इस्लामी तीर्थ यात्रा है जो मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। हज शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम सभी व्यस्त मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।